हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गजिस समय का कारनामा देखिए। युवक ने पहले बिना बीए किए एमए कर ली और फिर अफसर बनकर ऐशो आराम की जिंदगी बिताने लगा। इसलिए तरीका बेहद अनोखा निकाला। केस इतना अनोखा है कि तुमके मुंह से निकलेगा कि ऐसा भारत देश और ही हो सकता है। मामला पंजाब का है। पूर्व अकाली भाजपा सरकार के समय अफसरशाही के मनमाने कामकाज का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक पूर्व मंत्री के निजी स्टाफ और शामिल लोग ने ग्रेजुएशन किए बिना तमिलनाडु की अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल कर ली और फिर उसी की बदौलत उसको पीसीएस अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद नियुक्ति को सही बनाने के लिए ट्रेनिंग पीरियड और भी कटौती कर दी गई। यह खुलासा एक महिला प्रोमिला की ओर से आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी और हुआ है। यह पीसीएस अधिकारी रमन कुमार को छड़ इन दिनों गुरदासपुर और असिस्टेंट कमिश्नर जनरल के पद पर तैनात है। आरटीआई के तहत सूचना और पता चला है कि कोछड़ ने 1988 और पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10वीं की और उन सब के बाद 2005 और सीधे अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री विषय और एमए सेकेंड डिवीजन और पास कर ली। वर्ष 2007-08 और उन्होंने जालंधर की पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एमबीए मार्केटिंग और 2011 और पीयू से एमए पंजाबी पास कर ली। वर्ष 2014 और उन्होंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी और पीसीएस कार्यकारी ब्रांच रजिस्टर और रजिस्ट्रेशन कराया। खास बात यह है कि पीपीएससी के फॉर्म और उन्होंने क्वालिफिकेशन डिटेल देते हुए क्लास ग्रेजुएशन डिग्री का नाम एमए हिस्ट्री दर्ज किया, यानी बीए के कॉलम और एमए की डिग्री। पीपीएससी की ओर से रमन कोछड़ के आवेदन पर यह कहते हुए तुमत्ती उठाई गई कि पीसीएसईबी 2011 के अनुसार आवेदक की पात्रता ग्रेजुएशन होना जरूरी है, लेकिन रमन कोछड़ ग्रेजुएशन का कोई सबूत नहीं दे सके हैं। इस पर सामान्य प्रशासन विभाग के तत्कालीन प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय कुमार ने पीपीएससी को 3 मई 2014 को पत्र लिखकर दावा किया कि रमन कोछड़ के पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री है और उनका आवेदन सामान्य प्रशासन विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार पूरी तरह सही है। यूजीसी ने बगैर ग्रेजुएशन एमए की डिग्री को अवैध बताया। उधर सरकार के पक्सोनल विभाग की पीसीएस शाखा ने इस मामले और 18 अगस्त 2016 को यूजीसी से रमन कोछड़ की डिग्री के बारे और सुझाव मांगे तो यूजीसी ने रमन कोछड़ की ओर से बिना ग्रेजुएशन के एमए की डिग्री हासिल करने को पूरी तरह अवैध करार देते हुए कहा कि कोई भी विद्यार्थी 3 वर्षीय ग्रेजुएशन पूरी किए बिना मास्टर डिग्री हासिल करने का पात्र नहीं हो सकता। यूजीसी के दिशा निर्देश मिलने के बाद तत्कालीन पर्सोनल सचिव राजीव पी श्रीवास्तव ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर बताया कि रमन कोछड़ को नियुक्ति पत्र जारी किया जा चुका है और वह ट्रेनिंग अधीन है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि इस मामले पर फिर से विचार किया जाए। इस पर तत्कालीन मुख्य सचिव सर्वहर्ष कौशल ने 10 नवंबर 2016 को इस मामले पर एलआर और एजी से राय लेने के बाद फाइल मुख्यमंत्री को भेजे जाने की ताकीद जारी की। एलआर की ओर से 13 दिसंबर 2016 को हमी राय देते हुए रमन कुमार की नियुक्ति को पूरी तरह गलत ठहराया गया। इस पर मुख्य सचिव ने फिर हमी राय देते हुए एडवोकेट जनरल से भी राय लेने की सलाह दी। इस तरह रमन कोछड़ की फाइल एक से दूसरे दफ्तर घूमती रही और पीसीएस के तौर पर उनकी नियुक्ति कायम रही। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।